Friends, how are you all? Hope you are doing well. Welcome to my new vlog. स्वागत है आपका आज के इस नए vlog में सीधे इंडिया गेट से. ये सब है कर्तव्य पथ और इधर सामने आज थोड़ा मौसम बारिश वाला है, फॉग है, वो सामने राष्ट्रपति भवन और इसके बिल्कुल जस्ट सामने इंडिया गेट. क्या खूबसूरत यहाँ का एटमॉस्फेयर इस टाइम माहौल बना हुआ है. लाइटिंग्स ऑन हो गई हैं, ये सब ये आप देख सकते हैं. शाम हो गई है शाम का और नज़ारा आज सैटरडे है तो काफ़ी खुशनुमा माहौल यहाँ का है. खूब अच्छा लग रहा है और यही अच्छा आपको भी दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहें. आइए फोटो. सो दिस इज इंडिया गेट. इस वक्त हम चल रहे हैं कर्तव्य पथ पर. पहले शायद इसका नाम राजपथ हुआ करता था, अभी रिसेंटली मोदी जी ने इसका नाम कर्तव्य पथ किया है. और ये फॉरेनर्स आई थिंक फोटो एंजॉय करते हुए. मौसम आज दिल्ली का थोड़ा ख़राब था, मतलब काफ़ी बारिश हुई है, आप देख ही सकते हैं रोड्स का हाल. क्या खूबसूरत मौसम हो गया आफ्टर बारिश. लाइट्स ऑन हो चुकी हैं सब, शाम के तकरीबन 6 बज गए हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा है. इसी के भी जस्ट अपोजिट सामने वो राष्ट्रपति भवन है. फॉग बारिश का थोड़ा सा मौसम था इसकी वजह से वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा है आप देख सकते हैं. और ये गार्डन ग्रीनरी, काफ़ी सारे लोग अभी आ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं मौजूद, अभी आगे जाएंगे और आपको इंडिया गेट एक्सप्लोर कराएंगे. घूमिएगा साथ में. ये हमारे ब्रदर कैमरामैन, क्या नाम है आपका? धीरज यादव नाम है. धीरज यादव रहने वाला हूँ जिला आजमगढ़. आजमगढ़ से धीरज भाई, नाइस टू मीट यू. धीरज भाई हमारे ब्लॉग में आए थे बोलने हाय हमारी ऑडियंस को. थैंक यू ब्रदर. और अभी आपको आगे लेके चलते हैं. सो फ्रेंड्स, इस वक्त हैं हम इंडिया गेट पर और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है. आज बारिश हुई है इतनी अच्छी और इतना खुशनुमा मौसम हो गया है. कल तक यहाँ पर इतनी गर्मी थी, आज इतना प्यारा माहौल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जनवरी के महीने में यहाँ पर खड़े हों. इतना खुशनुमा माहौल है, सैटरडे का दिन है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, खूब ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर. और आप भी हमारे साथ ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए, दिखाते हैं आपको इंडिया गेट पास जाकर. आज सैटरडे है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर. इधर शायद इधर से जाना होगा. ये देखिए खूबसूरत इंडिया गेट, चलते हैं अंदर की तरफ. अंदर इंडिया गेट के लिए काफी बारिश, एंटर हो गए हैं अंदर और वो सामने इंडिया गेट है. चलते हैं इंडिया गेट के पास और दिखाते हैं आपको इंडिया गेट. ये क्या बना है भाई, इधर से जाना नीचे, इधर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा शायद मतलब सब वे नीचे रोड के. ये फॉरनर्स काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज एंड फॉरनर्स आज आए हुए हैं यहाँ पर और बारिश हो गई है तो काफ़ी गीला गीला तो है बट लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है और हर आदमी यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहा है. मेरे पीछे देख सकते हैं गाने पर मस्ती कर रहे हैं हम लोग. सो अब हम पहुँचे हैं इंडिया गेट पर. सॉरी. और ये इंडिया गेट का नज़ारा,
आपको लेकर चलता हूँ इंडिया गेट के पास। आज काफ़ी बारिश थी तो पूरा गीला हो चुका हूँ मैं। एंड फाइनली पहुँचा हूँ बिल्कुल इंडिया गेट के करीब। देखिए आप इंडिया गेट ऊपर, हिंदुस्तान के फ्लैग का कलर की लाइट ओपन हो गई है ग्रीन, बीच में शायद मुझे पिंक सा दिख रहा है, वहाँ पे वाइट होना चाहिए और ऊपर ऑरेंज लाइटिंग ऑन हो चुकी है धीरे धीरे और मौसम अच्छा होता जा रहा है। एटमॉस्फेयर ठीक, देखते हैं किसकी मूर्ति है। ये देखिए खूबसूरत है, यहाँ की वाइब्स देखिए। और ये दूर तक ब्यूटीफुल, इंडिया गेट की परिक्रमा आपको कराता हूँ। ये कुछ नाम लिखे हुए हैं यार, सूबेदार राजपूत, शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ऊपर से, ये सब नाम लिखे हैं मुल्तान फैंटेसी कॉर्डम, कुछ नाम कुछ एड्रेस टाइप कुछ लिखा है। ये देखिए गुलाम मोहम्मद अरबन अरपल सिंह, मतलब लाखों के तादाद में नाम लिखे हैं इसके ऊपर। बगलर खान, सरदार खान, मोदी खान, लूगाराम, गुर सिंह, हैविलदर, इसके नाम शायद जो आज़ादी में शहीद हुए होंगे उनके होंगे, मुझे पूरा नॉलेज नहीं है। अभी मैं इसको गूगल करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये नाम पूरे ऊपर तक किसके इसके ऊपर उदय हुए हैं। पीछे की तरफ आए, देखते हैं वो सामने स्टैचू किसकी लगी है। दिखाता हूँ आपको स्टैचू, कौन वो महान शख्स हैं। वैसे मैं इंडिया गेट काफ़ी बार आया हूँ लेकिन इतना नज़दीक आज फर्स्ट या सेकंड, ऐसा मान के चलो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ इतना करीब। बाहर से मैंने लाखों बार इंडिया गेट देखा रोड से गुजरते हुए, तो अलग सा फील आ रहा है आज। और ये जो स्टैचू है ये भी मैंने अभी करीब से जाकर इसको एक्सप्लोर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ किसकी है। पीछे है खूबसूरत इंडिया गेट और जो शाम में लाइटिंग यहाँ पर भी इसके ऊपर फोकस डल रही है वो इसकी खूबसूरती को चार गुना इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। ये कुछ इल्यूजन टाइप है, आपकी सेल्फी की जगह यहाँ है, दिखाते हैं आपको सेल्फी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये इल्यूजन इमेज है, ये देखिए। और आप देखेंगे तो ये ना सिर्फ पोल टाइप खड़े हैं, मतलब करीब से ये एक पोल है एंड दिस इज अनदर वन, सब एक पोल है। इसे हम दूर जाएंगे तो ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाता है, अभी मैं दूर जाता हूँ इससे। ये देखिए ये इल्यूजन क्रिएट होता जा रहा है, ये पोल्स इस तरह से लगाए गए हैं, पास से वो सिर्फ पोल्स दिखते हैं, दूर आने पर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाता है। अमेजिंग खूबसूरत, और इधर भी एक ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा एरिया है इसका, मतलब इंडिया गेट का पार्क लोन अच्छा है, माहौल भी और इंडिया गेट भी हमारे देश की शान। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है,
और यहाँ से ये इंडिया गेट का खूबसूरत नज़ारा इंजॉय कीजिए। इंडिया गेट के ऊपर लिखा है इंडिया एंड काफ़ी सारे नाम्स भी वहाँ पर लिखे हैं। मेरे कैमरे में इतना जूमिंग नहीं है जो आपको दिखा दे। और वो इल्यूजन आपको दिखाई चुका हूँ, वो पोल्स दूर जाते हैं तो क्रिएट होता है सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैच्यू। एक इतना अच्छा फाउंटेन है, पास जाके दिखाएंगे भी आपको। ये आ गए हम फाउंटेन पर, बहुत पानी काफ़ी गंदा है बट फाउंटेन अच्छा है। जैसे जैसे रात ढल रही है और यहाँ का नज़ारा और यहाँ की वाइब्स चेंज होती जा रही है, मतलब दिन ढल रहा है लेकिन यहाँ पर दिन निकल रहा है, यहाँ का माहौल का दिन हो रहा है। जैसे कहते हैं ना दिल्ली में रात में दिन होता है, वही मौसम सेम एग्जैक्टली जितना दिन ढल रहा है उतनी यहाँ खूबसूरती लाइटिंग बढ़ रही है और उतना ही पब्लिक यहाँ पर आ रही है। शाम जब मैं यहाँ पर आया था बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, जैसे जैसे दिन ढला है लाइट्स ऑन हुई हैं और यहाँ पर क्राउड्स इतना हो चुका है कि बस पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। काफ़ी अद्भुत ये लग रहा है इस वक्त रात के समय और लाखों की पब्लिक यहाँ पर इस वक्त मौजूद है इंडिया गेट के दर्शन करने के लिए। और वो सामने अपना राष्ट्रपति भवन बट आपको नहीं दिखेगा इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर आ गया है इस वक्त। ये आंखें बस नज़ारा मन मोहित करता है, हट नहीं रही हैं इस वक्त इंडिया गेट के ऊपर से आंखें। क्या नज़ारा है, किस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि क्या खूबसूरत नज़ारा इस वक्त मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत उम्दा। अभी आपने देखा इंडिया गेट का नज़ारा खूबसूरत, चारों तरफ क्या खूबसूरत वाइब्स हैं यहाँ पर। ये सारा राजपथ सॉरी कर्तव्य पथ इसका नाम हो गया ये, और इंडिया गेट। बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए।